गोपाल निवासी श्रीमद मंदिर ज्योति ने अपने पति स्वर्गीय श्री पुष्कर मनोरथ ज्योति की पुण्य स्मृति में पुष्कर सम्मान स्थापित कर हमारी संस्था को इसका संयोजन सौंपा है। महामहिम आज प्रथम पुष्कर सम्मान भी प्रदान करेंगे। मित्रों, मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस अकिंचन प्रयास की चर्चा देश भर में बसे मध्य प्रदेश की माटी में जन्मे साहित्यकारों में उत्सुकता पूर्वक होती है। सभी साहित्यकारों की निगाहें प्रतिवर्ष अक्षर आदि सम्मान घोषित होने की प्रतीक्षा करती हैं। देश भर के साहित्यकारों से संस्था को जो स्नेह मिला है, आप सभी साहित्यकारों व साहित्य प्रेमियों के हार्दिक सहयोग का प्रतिफल है। यदि आप सब यह सहयोग प्रदान न करते तो यह सम्मान इतनी ऊंचाई प्रदान न कर पाता। एक बार पुनः मैं आप सबका और विशेष रूप से महाराष्ट्र पधारे वहाँ के पूर्व गृह मंत्री कुंटे साहब का अभिनंदन स्वागत करता हूँ और इस संघ के का विस्तार विगत 10 वर्षों में पूरे प्रदेश भर में हुआ है। मध्य प्रदेश संघ की 24 इकाइयाँ वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है तथा प्रदेश में साहित्यिक और सांस्कृतिक संचेतना का विस्तार कर रही है। मेरे पास जो अनुमोदित कार्यक्रम है उसके अनुसार मैं आज के विशिष्ट अतिथि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी को यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय सत्यनारायण शर्मा, आदरणीय हमारे बीच में जिन्हें आज अक्षर आदि से सम्मानित हम कर रहे हैं, सदय नागर जी, सदय विठल भाई बदेव, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय बगारे जी, हमारे मेहमान अतिथि पूर्व गृह मंत्री आदरणीय महाराष्ट्र के आदरणीय सुंदे जी, आदरणीय स्वराजी त्रिवेदी, आदरणीय दुरिया जी, आदरणीय साहिद जी और सभी इस संस्था के आदरणीय पदाधिकारी और सदस्यगण, सभी सरस्वती पुत्र कहलाने वाले आदरणीय अभ्यागतगण, देवी और सज्जनों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय साथियों, आज महामहिम राज्यपाल महोदय की घर में हुई उपस्थिति में हम आप सब मिलकर साहित्य साधकों का और सम्मान करने के वास्तव हकदार वही है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर एक बार जोर खरों से तालियों के ग्राहक से उन सबका सम्मान करें। मित्रों, सरस्वती पुत्र के नाते जो उन्होंने श्रेष्ठ कृतियाँ की हैं और उन कृतियों में जो उनके भाव हमें देखने को सुनने को मिले हैं, उसी को दूसरी नजीर नहीं हो सकती, दूसरी कोई मिसाल नहीं हो सकती। इसी तरह से जैसा कि बटुक जी ने अपने संस्था का गौरवमय इतिहास बताया है और किस तरह से वे प्रादेशिक बोली प्रादेशिक में बोली में एक प्रदेश की आंचलिक बोली में उन्होंने एक हमारे आदमी साथी का यह सम्मान किया है, तो स्वयं में अपने आप एक बहुत बड़ी बात। इस संस्था की पहचान इसी तरह के कार्यक्रमों आयोजनों से सदैव होती रही है, बल्कि मैंने स्वयं ये महसूस किया है कि समय समय पर पत्रकार साथियों को, साहित्यकारों को और जो रचनाकार हैं उनको इस संस्था में समय समय पर उन्हें सम्मानित करके हम सबका गौरव बढ़ाया है। यहाँ जो महानुभाव हमारे बीच में है उनसे सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, उनके कार्यों को हर वक्त सबने सराहा है और विद्वता कभी छिप नहीं सकती, छुपाई नहीं जा सकती। प्रतिभा का ज्ञान में होता है इसका अंदाज हम सबको है। जो व्यक्तित्व हमारे साथियों का आज रहा है और अपनी कलम से उन्होंने जो काव्य रचना और साहित्य की सेवा की है, वह हम सबके लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। आइए हम सब मिलकर उनके यशस्वी जीवन की कामना करें, माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे अपने और अधिक कार्यों से
राष्ट्र को और प्रांत को गौरवान्वित करें। हम सब मिलकर आज उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और ऐसे अवसर पर जबकि महामहिम राज्यपाल महोदय हमें मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसे अवसर पर मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का कुछ भी बोलना ये मुनासिब नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके और जो मंच पर हमारे आदरणीय साथी जिनको सम्मान किया सम्मानित किया उनके सुखमय मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भाई सत्यनारायण जी, नारायणी जोशी जी, नारायणी बटुक जी, भाई विठल भाई पटेल साहब, नारायणी नागर जी, माननीय शर्मा जी, नारायणी तोमर जी और गोयल साहब, अन्य उपस्थित सभी यहाँ पर देवियों सज्जनों, आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 14 सितंबर, और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हिंदी के बहुत ही मजबूत समर्थक ही नहीं लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी को हर व्यक्ति अपनाए, सतत इस दिशा में अपना योगदान, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने वाले हमारे ही अपने राज्यपाल जी आज हमारे बीच में। हिंदी दिवस हम हिंदी के साहित्यकारों को आज सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और बटुक जी जिस संस्था के हमारे लेखक संघ के अध्यक्ष हैं उसका भी हम सबको गर्व है। इससे हम एक बहुत समर्पित और इस दिशा में वर्षों से सेवा करके एक ऐसा सबके दिलों में जो जिनका लेखनी में कमांड है इन्होंने स्थान बनाया है बटुक जी ने, कि उनके हर काम को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही उच्च श्रेणी का वो काम हाथ में लेकर आयोजन कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लेखक जो काम करने वाले और जिन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की है हजारों लाखों पाठकों के दिल में समाज में, उनका जो सम्मान करने जा रहे हैं आज के दिन, ये अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है। और फिर महामहिम राज्यपाल जी के सर कमलों से जो सम्मानित हो रहे हैं और हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ये और भी उसमें एक प्रशंसा का पंख लगाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी अब हम उसको अब आंदोलन बनाने का फैसला ना होंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अपने आप हमारे वो भाई बहन इस देश में जो रहते हैं और हिंदी को थोड़ा कम अपने नज़दीक मानते थे या अपनाने में उनको कठिनाई होती थी, वे स्वयं और हिंदी की ओर न केवल आकर्षित हो रहे हैं लेकिन उनमें से भी अच्छे अच्छे साहित्यकार पैदा हो रहे हैं, लेखक पैदा हो रहे हैं, कवि पैदा हो रहे हैं। दक्षिण भारतीय के बाद तो और भी ज़्यादा हिंदी के प्रति लगाव बढ़ा है, दिशा में काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से करते रहें। और यदि दूसरी भाषाओं का अपने अपने क्षेत्रों में कुछ स्कूल्स में या एनजीओ के माध्यम से प्रचार प्रसार उन लोगों में लगाव पैदा करें कि हम दूसरी भाषाएं साउथ की दक्षिण की हमारे बच्चे सीखें, उसका प्रचार ज़्यादा यदि हम करने में सफल होते हैं तो ये और ज़्यादा अपने आप हिंदी को आगे लाने और सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम हो सकता है। इसलिए आज के दिन हम सब मिलकर हिंदी के लिए जो हमारा सबका एक संकल्प है, इस राष्ट्र की अपनी भाषा हो, इस राष्ट्र की जोड़ने वाली भाषा हो, इस राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर सम्मान दिलाने वाली भाषा अपनी भाषा हो, इसका हमें हमेशा ध्यान रखते हुए दूसरों के अगर हम भावनाओं की कदर करके उनसे अपने आप को जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हिंदी का बहुत बड़ा फायदा होगा।
अपने माम ही बैठे हैं, एक बात हमेशा मेरे दिल में आती है, वो ये है कि अब ये जो प्रतिस्पर्धा चली हुई है, तो सोच बना हुआ है कि यदि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में नहीं डालेंगे तो आगे जाके शायद ही एक अच्छे नागरिक या एक मतलब ऐसा व्यक्ति बन सके जो हर चुनौती को चैलेंज को स्वीकार कर सके। इंग्लिश मीडियम में डालकर ही ये सोचते हैं माँ बाप कि ये आगे जाकर अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान और मालदार धनी आदमी बन सकेगा, किसी भी से नौकरी अच्छी प्राप्त करके या बिजनेस में। ये भावना के कारण अब छोटे छोटे कस्बों में मैंने देखा तो बड़े 5-7 हज़ार आबादी के गाँव में भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल चालू हो गए। तो इस दिशा में कुछ करना सोचना जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेजी को खत्म कर दो, लेकिन अंग्रेजी को प्राथमिकता दे दो और हिंदी को पीछे रख के काम करो, बात करो। इस दिशा में हम लोगों को विचार करना चाहिए, और वो संभव इसलिए भी मानता है कि हमारे खुद के बच्चों को हम पहले डालते हैं जो हिंदी की वकालत करते हैं। अंग्रेजियाँ जितने बैठे हैं 90% वही कर रहे हैं, तो ये बड़ा भारी कुछ तभी बदलाव देश में आ सकता है या प्रदेश में। कि एक तो शासन, मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि हम किसी प्रकार का अनुदान तो कम से कम ऐसी संस्थाओं को न दें जो अंग्रेजी माध्यम से ही शुरू से बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षित करें। सप्लीमेंट्री अतिरिक्त भाषा हो सकती है। और दूसरी, जो बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में ही डालकर जो समझते हैं कि उनका भाग्य वहीं से बनेगा, उन पर कुछ न कुछ उल्टा सेट लगाना चाहिए। अच्छा पगला, ताकि ठीक है भाई, अब तुमको अच्छे बनने ही वाले तो कुछ कंट्रीब्यूट करो हम, ताकि दूसरे गरीबों को भी पता कर सकें हिंदी का। तो कुछ मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि एक तरफ हम सब सोचते हैं, बड़े खुश होते हैं, और दूसरी तरफ अपने आप अंग्रेजी घर करते ही चले जा रही है, हर घर में प्रवेश करते चली जा रही है। इतना लगाव पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए केवल ये भावना जो बनी हुई है कि यही इंजीनियरिंग में जा सकेगा, यही मेडिकल में जा सकेगा, यही अच्छा वकील बन सकेगा। तो इस चीज़ को जब आगे जाकर प्राथमिकता नहीं मिलेगी और उल्टा यदि होगा कि जो अंग्रेजी होगा उसके नंबर कम रहेंगे वहाँ पर, तब जाकर भी कुछ सुधार की कल्पना हम कर सकते हैं। फिर भी देखो भगवान हमें सफलता प्रदान करेगा। और इस अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आज महामहिम जी के कर कमलों से जो स्वागत और अभिनंदन हम 5 आदरणीय विभूतियों का करने जा रहे हैं, एक और यदि आप जोड़ दें कि राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, राष्ट्रीय एकता, हाँ एक लोग बैठे हैं, और दूसरा सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का आदर और हम सब एक हैं। इस दिशा में जो अच्छी लेखनी अच्छा लेखन करे उनको यदि 5,500 रुपये प्रतिवर्ष का अवार्ड रखेंगे तो मेरी तरफ से मैं स्थायी रूप से इसके लिए हम 50,000 रुपये FDR में रख देंगे, उसका ब्याज हम आपके उनको लेखक संघ को दे दिया करेंगे। इससे आप अपना एक अवार्ड हमारे पिताजी के स्मृति में जो बहुत ही सर्वग्रम संभाव के हिमायती रहे हैं, उनके मैं चाहूँगा कि आप अवार्ड दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम किए जाते हैं। आयुष मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ, महामहिम से अनुरोध करूँगा सभी अपने कर कमलों से यह सम्मान प्रदान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले डॉक्टर शरद पवार जी को, जिन दो चाहे और मैं अपने साथ ही श्री वेद मंच से अनुरोध करूँगा कि यह प्रशस्ति पत्र का पाठ करें। ₹5,19,000 को पूर्व निवास खंडवा में जन्म श्री शरद पगारे ने इतिहास में हमें ये दी है। पेशा से अध्यापक रहे श्री पगारे ने अधिकतर ऐतिहासिक पात्रों पर कहानियाँ लिखे हैं। उनके लिए हम यहाँ गुलाब बेगम, संजय मुंडे और बेगम जगाबाड़ी अत्यधिक लोकप्रिय हुए।
मतदेह नगर संघ डॉक्टर शरद परारे की जेल का और क्या कौन बात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजीत कुमार जी जो खड़े कर देना सितम्बर 1933 को मैंने श्री जगदीश तोमर ने दर्शन शास्त्र अंग्रेजी साहित्य तथा राजनीति विज्ञान में एमए तथा पीएचडी करने के साथ शिक्षण का स्वीकारा और आज भी उनके अत्यंत लोकप्रिय और ज्ञान वर्षा करता एक प्रकाशित हो चुकी है जिनमें से अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई है। मध्य प्रदेश नगर संघ श्री जगदीश तोमर सुधीर और समर्पित साहित्य साधना को प्रश्न ने अक्षर आदि के सम्मान सम्मानित अनुभव करता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मिठल भाई पटेल का प्रवृत्त हुए अब तक उनके छह काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे मध्य प्रदेश की माटी के उन गिने गिने पुत्रों में से हैं जिन्होंने 47 पटेल को अक्षर आदित्य सम्मान के लिए राजेंद्र जोशी एवं आज के
दिवस सम्मानित सरस्वती के वर पुत्रों के रूप में जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, आदरणीय जिन बंधुओं ने अपने कलम के बल पर सब विघ्न बाधाओं को पार करके ख्याति अर्जित की है, भारत के भारत पर जिनके कर्तृत्व का गुमगुम लगा है और जिन्होंने अपने देश की प्रमुख मातृभाषा हिंदी को संपन्न किया है, ऐसे सब लेखक सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन कर रहा हूं, उनके प्रति नतमस्तक होकर उनके गुणों का भी अभिनंदन कर रहा हूं। जब से इस नगर में या मध्य प्रदेश में मैं आया हूं, इस प्रदेश की साहित्यिक गतिविधियां, सांस्कृतिक हलचलें देख करके सचमुच ही दिनों चकित होता गया। ऐसा लगता है कि भारत का हृदय प्रदेश सचमुच में ही हृदय जैसा ही संवेदनशील, हृदय जैसा ही सदा सर्वदा सक्रिय और हृदय की कोमल भावनाओं से अपने प्रेम अपने स्नेह को चारों ओर बिखेरता हुआ एक अनुपम प्रदेश है। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए एक मशीन का पुर्जा जहां अपने आप को आदमी समझने लग जाता है, कल्पना भी नहीं होती कि इस मशीनी युग में किसी और तरह की जीवन शैली भी पनप सकती है, लेकिन यहां पर आकर ऐसा लगा कि जैसे नया जलवायु, एक नया पर्यावरण, एक नए प्रकार की जीवन शैली हम लोग जी सकते हैं। खास करके मुझे आशा नहीं थी कि साहित्यकारों के सम्मान में जितनी रुचि यहाँ के हम नागरिक बंधुओं में पाएंगे, लेकिन यह है। थोड़े दिन पहले एक अखिल भारतीय लेखक संघ का कार्यक्रम हुआ था और क्योंकि मैं इस स्थान पर बैठा हूं कि जहां के ही बिना योग्यता के मनुष्य को उठा करके बिठाया जा सकता हो और कोई उसमें शंका न करे, क्योंकि उसके साथ महामहिम का एक अलंकरण लगा हुआ है, इसलिए मुझे उसमें भी आना था, मैं आया। लेकिन मैंने देखा कि थोड़े से लोग या अलग अलग भाषाओं के लेखकों के लिए भी जो अवसर था, उन विषयों के उन भाषाओं के प्रेमी भी तो और होंगे, लेकिन इतनी थोड़ी संख्या क्यों? आज वो जो भ्रम या प्रश्न मन में उठ रहा था वो दूर हो गए और लगा कि ये मध्य प्रदेश का जो लेखक संघ है इसने अपने सतत प्रयास से यहाँ पर अपना स्थान बनाया है और इसके कार्यक्रम में आपको इसलिए रुचि होती है कि योग्य विभूतियों का सम्मान होता है जिनका सम्मान होना चाहिए, किसके हाथों करवाया जाता है इसका महत्व नहीं है। हालांकि मुझे याद आता है कि साहब
पंजाबी का वो एक कहावत है, जानते होंगे, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो जब सवेरे सवेरे नींद खुलती थी तो जिस ध्वनि से, जिस आवाज से नींद खुलती थी, बहुत बार माता जी जो दही दो रही होती थी, दही मत रही होती थी मथनी से, तो उसमें वो जो मथनी होती है, पंजाबी में उसको मधानी कहते हैं, उस मधानी की या मथनी की एक विशेषता होती है कि उसमें मथने वाला हिस्सा तो जो मटका है उसके अंदर रहता है, उसके ऊपर वाला हिस्सा जिस रस्सी से उसको जलाया जाता है वो हाथ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर फिर छोटा सा कुछ हिस्सा होता है जो शोभा के लिए होता है, जो उसमें कभी कभी रंग बिरंगे कुछ दो तीन कतरने भी लगा दी जाती हैं, छोटे छोटे घुंघरू लगा दिए जाते हैं, उन घुंघरुओं की आवाज से, उन रंग बिरंगे कतरनों के दृश्य से वो शोभा पाता है। तो इस वास्ते उसको, जिसको इस तरह के खाली अलंकरण के रूप में रखना जरूरी हो, उसे पंजाबी में उतला छड़ मदानिंदा इस नाम से वर्णित किया जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो स्थान है जहां मैं आकर के बैठा हूं, इसमें उस उतले छड़ मदानी के रूप में मदानी का जो कार्य है वो मुझसे अच्छा हो सकता है, इसलिए मुझे बार बार ये गौरव मिलता है कि मैं ऐसे वास्तविक महिमामय लोगों का सम्मान करके अपने आप को धन्य कर सकूं। मुझे जहां इस उत्सव की प्रसन्नता है, वहां मेरे मन में एक बार 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 ये प्रश्न उठता है कि ये हिंदी दिवस क्या है और किस किस देश में उस देश की भाषा का दिवस मनाया जाता है। इंग्लैंड में कोई इंग्लिश डे मनाता हो, जर्मनी में कोई जर्मन दिवस मनाता हो, जापान में कोई जापानी सबके लिए एक दिन मनाता हो, तो ये क्या हुआ कि हम अपनी भाषा के लिए हमें एक दिन मनाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि ये आपकी भाषा है। उन्होंने कभी फिर साहब विडंबना का जिक्र कर रहे थे, कैसी विडंबना है, इसे सोच ये कह रही विडंबना है। आज एक रिक्शा चलाने वाला भी न सिर्फ ये चाहता है कि उसका बेटा अंग्रेजी पढ़े, बल्कि ये चाहता है कि अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी पढ़े, और जो भी कुछ और पढ़े चाहे उसके समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वो अंग्रेजी माध्यम से उसने सीखा हुआ हो, चाहे वो वहां से यही सीख करके आए कि यू आर ए डैम फूल, तो चाहता है कि हाँ मुझे ये कह रहा है देखो नई नई अंग्रेजी सीख रहा है। ये हम लोगों के जीवन में ये विडंबना क्यों आई, क्यों हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि हिंदी हमारी भाषा है। शायद 1947 के उस क्षण कुछ बातों के बारे में हम स्वयं तय नहीं कर पाए थे कि हम क्या हैं, हमारा देश क्या है, देश का नाम क्या है, इंडिया हो या भारत हो, इसलिए इंडिया दैट इज भारत, किसी देश ने ऐसे नाम रखा है अपना कि जो उसमें भी एक दूसरा शब्द दे करके और एक रूपांतर दे करके बताना पड़े कि ये देश कौन सा है, देश का एक नाम हो उसको दूसरे किसी भी नाम से पुकारते रहें, लेकिन अपने संविधान में, अपनी भाषा में, अपने जीवन में उसका वो नाम रहता है। हमारी भाषा क्या हो, हमारे देश का नाम क्या हो, और अगर देखा जाए देखना हो तो हम अपने इस राष्ट्र का स्वरूप क्या है, ये भी अभी तक हमारे यहाँ इतनी बहस चुकी है कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप क्या है, क्या हम एक राष्ट्र रहेंगे कि नहीं, हमें कहा जाता है कि हम एक राष्ट्र बन रहे हैं, नेशन इन दी मेकिंग है, बन रहे हैं, मतलब क्या हम हजारों साल के अपने इतिहास को नकार रहे हैं, हजारों साल के अपने सांस्कृतिक जीवन को नकार रहे हैं, जिस देश में संसार का प्राचीनतम प्रारंभिक ज्ञान प्रकट हुआ, जिस देश में ऋग्वेद लिखा गया कि जो संसार के आदि ग्रंथ के रूप में, प्रथम ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह देश भी अपने आप को अभी तक कह नहीं कर सका
वो देश का स्वरूप क्या है, इस देश के महापुरुषों में, इस देश के साहित्यकारों में, यहाँ पर कालिदास हो गए, यहाँ पर पानभट्ट हो गए, यहाँ पर व्यास ऋषि हो गए, कपिल कणाद और ये सब जिन ऋषियों के, जिन ऋषियों ने ज्ञान की, केवल दर्शन के ज्ञान की नहीं, विज्ञान की भी, गणित की भी, आयुर्वेद की भी, और ऊंची स्थानों पर प्रगति की, प्रगति करवाई और सारी दुनिया में भारत की ओर से वो ज्ञान प्रसारित होकर के पहुंचा। उस देश में भी लोग पहचान न सकें, अपने स्वरूप को कह न सकें कि हम क्या हैं। हम समझते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो कहीं हमारा काम नहीं कर सकेगा, हम दुनिया से अलग पड़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो अंग्रेजी ही है। ऐसे लोग जो सोचते हैं, उनमें से अगर कोई फ्रांस में चला जाए किसी समय तो फ्रांस के लोगों में ये देख करके उसको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी में अगर वो बात करेगा तो लोग उसको अत्यंत निकृष्टता की दृष्टि से देखेंगे कि ये क्या सा व्यक्ति है। आप हिंदी में बात करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ऐसे भी तो अपने कभी अंतर्राष्ट्रीय किसी बैठक के लिए गए, अब तो जिस किसी ने अंग्रेजी में बोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि वहां कोई उसका स्वागत नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई हिंदी में बोलने के लिए खड़ा हुआ उसका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। अपनी भाषा के बारे में अपना स्वाभिमान अगर हम अपने अंदर नहीं रख सके तो फिर दूसरे कैसे हमारा सम्मान करेंगे। हिंदी का दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, परंतु हमारे यहाँ है वो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे विदेशों में अमेरिका वगैरह में मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ये मदर्स डे और फादर्स डे का क्या कोई कहेगा कि वहां क्यों होता है, तो वहां पर जरूर यही उनको याद करना पड़ता है कि ध्यान रखते हुए हमारी माता कौन सी है। अपने यहाँ का हिसाब नहीं है कि माता और पिता दोनों प्राप्त हुए हैं और जन्म के आखिरी क्षण तक हमारे सामने रहेंगे, हम उनके सामने रहेंगे और जब तक उनके चरणों की छाया हमें मिलती रहेगी हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो रहा है। लेकिन वहां पर तो यह है कि पिता और माता, उनसे अगर पूछा जाए कि ये आपके कौन से बेटे हैं तो कहेगा कि यहाँ ये मेरा बेटा मेरी तीसरी पत्नी से है और वो जो है वो चौथी पत्नी से है और अभी जो होने वाला होगा वो पांचवी पत्नी से होगा। और जो पत्नियों से पूछा जाए कि ये तुम्हारा पति ये इस समय ये जो है यही है, ये स्थिति जिन लोगों के परिवार के जीवन की है वहां पर कभी उसमें नकल तो ये हाथ होता हूँ। जब हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र लिखते हैं और निमंत्रण पत्र में लिखते हैं कि अमुक सुपुत्र श्री और श्रीमती अमुक अमुक, तो ये अमुक अमुक जो श्री और श्रीमती दोनों को लिखने की आवश्यकता है वो इसलिए है कि हम शायद ये सोचते हैं कि भाई शायद व्यक्ति जो पुरुष है वो तो ठीक हो, लेकिन क्या स्त्री जो श्रीमती वही है तो लोग तो नहीं है। दूसरे देश की सोच का एक असर तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसा आ जाता है, नहीं तो अपने यहाँ पर कोई कारण नहीं है। तो पर अपवाद के रूप कुछ बातें तो होती हैं, अब इन बातों को देख करके कम से कम इतना तो हम पहचाने कि हमारे देश की जीवन शैली क्या है, हम क्या थे, हम क्या आगे भी बनने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज या अमरीकी ये जीवन पद्धतियां जो हैं ये हमारे सामने बहुत आकर्षण है उनका। कोई वहां पढ़ने के लिए जाता है 50 माइल लेकर के जाता है, लेकिन वहां की चमक चमक सड़क फड़क जीवन की जो शैली है इतना उससे मोहग्रस्त हो जाता है कि उसको वापस लौटने की इच्छा नहीं रहती। उसको लगता है कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर, भारत में मक्खियां हैं, मच्छर हैं, धूल है, मिट्टी है सब कुछ है। लेकिन मक्खियां, मच्छर, धूल और मिट्टी ये सब होते हुए भी कुछ और चीज भी है जो अमेरिका में नहीं मिलती। अभी थोड़े दिन पहले बीबीसी का एक सर्वे आया था, बीबीसी ने एक किसी एक सर्वेक्षण का परिणाम बताया था कि 2010 जब संवत आएगी तो इंग्लैंड के अंदर जितनी माताएं विवाहित होंगी उतनी माताएं अविवाहित होंगी। ये उस देश की जीवन शैली का एक स्वरूप है। अमेरिका में ऐसी माताएं मिलेंगी जो 13 वर्ष की बालिकाएं, 13 वर्ष की बालिकाएं, 14 वर्ष की बालिकाएं, और अगर स्कूलों के अंदर जा करके पूछा जाए कि कौन कौन है, कौन कौन बच्चे हैं,
कि जिन्होंने ये जो भोग का सेक्सुअल एक्सपीरियंस जिन